तो दोस्तों हम देख सकते हो डॉज चार्जर कार आ गई है। हेलो दोस्तों, टेक्निकल अमेर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डॉज चार्जर कार का मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कार मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ ओपनएवी की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपनएवी को इंस्टॉल कर लीजिए। ओपनएवी को इंस्टॉल करने के बाद इस कार मोड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कार मोड को डाउनलोड करने के बाद आपको इसे दिखाई देगा, इसको चेक कीजिए। एक्सट्रा करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद इंस्टॉल फाइल्स में जाइए। उसके बाद ऐड ऑन 16 चार्जर के फोल्डर को ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस मॉड्स फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए। उसके बाद XC4 TLC पैक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ 16 चार्जर का फोल्डर दिख रहा है ना, उस फोल्डर को GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ रीडमी कैरेक्टर डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको एक लाइन मिलेगी, आइटम DLC पैक्स 16 चार्जर आइटम। इस लाइन को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ओपनएवी को ओपन कीजिए। ओपनएवी ओपन होने के बाद एडिट मोड पे क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद update.rpf कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का एक टेक्स्ट दिख रहा है ना, इसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद कॉपी की हुई लाइन को लास्ट में पेस्ट कीजिए। कॉपी की हुई लाइन को लास्ट में पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों GTFI ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इस कार को स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको इस कार का मॉडल नेम आपको मैन्युअली टाइप करना होगा, 16CHARGER 16 चार्जर टाइप करने के बाद एंटर कीजिए। तो दोस्तों हम देख सकते हो डॉज चार्जर कार आ गई है। यहाँ हम देख सकते हो इसका इंटीरियर।
मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। इसमें आपको लाइवरीज भी मिल जाएंगे। इसके स्पॉइलर को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके फ्रंट बम्पर को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।